म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा होना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाएं, पोर्टफोलियो का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और वहाँ से व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए, आज है संडे और संडे के दिन हम कुछ कमेंट लेके आते हैं आपके सामने। कमेंट बॉक्स से वैसे कमेंट को आपके सामने रखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, एग्जैक्टली जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट हैं लेकिन सारे कमेंट को कवर करना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। चलिए, क्वेरी सेशन में सबसे फर्स्ट जो क्वेरी है वो धर्मवीर जी के साइड से है। ये पूछ रहे हैं, सर SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया है, अब क्या करें, कंटिन्यू रखें या एग्जिट करें? देखिए, मैं आपके इस क्वेरी के माध्यम से हर एक इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप कोई डिसीजन ना लें और बहुत ही फ्रिक्वेंटली किसी म्यूचुअल फंड को चेंज ना करें। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो कुछ ज़्यादा महीने का हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, इट मीन्स कि 6 महीने पुराना फंड है ये। और अगर पिछले 6 महीने के अंतराल में हम इस म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड देखें तो ये देखने को मिला है कि 6 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 3 महीने में भी बीट करता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 1 महीने में भी बीट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ अप टू द मार्क नहीं है लेकिन एग्जैक्टली मार्केट में गिरावट है और वैसे में हर एक फंड में गिरावट देखने को मिल रहा है लेकिन ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से कम गिरा हुआ है। तो इतने छोटे अंतराल में किसी भी फंड पे आपको यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करूँगा कि आप कंटिन्यू रहें, आप किसी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वहाँ भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कुछ महीने का समय और दें और अगर म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट ना करे तो एग्जैक्टली उस समय इस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो जय पांडे जी के साइड से है। भाई, मैंने टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ में जनवरी 2022 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10% लॉस में भी हूँ, कहीं मैंने रॉन्ग म्यूचुअल फंड्स तो नहीं सेलेक्ट कर लिया, प्लीज़ मेरे सवाल का रिप्लाई दीजिए। देखिए, सबसे पहले टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करूँ, ये फंड एक सेक्टर फंड है, इट मीन्स कि IT सेक्टर पे ये बेस्ड है, ये एक टेक्नोलॉजी फंड है और यहाँ पे आज के डेट में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप पिछले 6 महीने और 8 महीने का डाटा उठा के देखोगे तो ऐसे सेक्टर के जो फंड है उसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू अदर सेक्टर। तो एग्जैक्टली आपने ऐसे फंड का सिलेक्शन भी किया है जहां रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, हाई रिस्क है यहां पे, तो आपको गिरावट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड को फोकस कर रहे हो तो गिरावट भी ज़्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर मैं अगर टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करूं, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करूं तो फंड बुरा नहीं है, लेकिन मार्केट का सिचुएशन है कि पिछले 6 महीने और 8 महीने में मार्केट में कुछ पॉजिटिव नहीं है जिसके चलते फंड का परफॉर्मेंस कई जगह आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब देखो, मैंने कंपेयर किया है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड और निफ्टी 50। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है उसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। आपने 2022 में जनवरी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, ये 2022 के जनवरी से ही मैंने कैलकुलेट किया है, एग्जैक्टली 16-17% का सिर्फ नेगेटिव रिटर्न टाटा डिजिटल फंड में आपको देखने को मिलता होगा। वहीं पे UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में ऑलमोस्ट 2-3% का गिरावट होगा आपके पोर्टफोलियो में। कुल मिला के फंड बुरा नहीं है, एग्जैक्टली मार्केट का ऐसा कंडीशन है, सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स में है और आपने वैसे फंड्स में पार्टिसिपेट किया है। अगर आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, देखो आने वाले टाइम में और भी गिरावट हो सकता है, अगर आप रिस्क फेस कर सकते हो तो आप बने रहें, लंबे समय में ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर आप यहाँ पे रिस्क नहीं फेस कर सकते हो तो एग्जैक्टली आपको यहाँ से भी बाहर निकल जाना चाहिए। मैं हमेशा इन्वेस्टर को बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी म्यूचुअल फंड में आप ये देखें कि क्या मेरा रिस्क प्रोफाइल वैसे म्यूचुअल फंड के रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है कि नहीं। अगर नहीं मैच करता है तो एग्जैक्टली आप वैसे म्यूचुअल फंड को फोकस ना करें। होता क्या है, आप रिटर्न के बेसिस पे वैसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन तो कर लेते हैं लेकिन जब गिरावट होता है तो फिर आप वैसे म्यूचुअल फंड से दूर भागना स्टार्ट कर जाते हैं और नुकसान बुक करके वैसे म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं।
ऐसे गलती ना करें। अगली क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे सोनल जी के साइड से है, सर एक ही फंड में बार बार लमसम कर सकते हैं क्या? देखिए, आप एक ही फंड में कितने बार भी लमसम करें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक फंड है जिसमें लमसम अलाउड नहीं है, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं इन्वेस्टर को आपके इस क्वेरी के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि हम एक ही फंड में लमसम क्यों करें। देखो, एक ही फंड पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो, आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, 4 से 5 फंड होने चाहिए, उस फंड में आप पैसा पार्क करो। आप एक एलोकेशन का परसेंटेज मेंटेन करो कि इस परसेंटेज में मेरे को इस म्यूचुअल फंड में पैसा पार्क करना है। किसी भी एक फंड में आप डिपेंड हो जाओगे, लमसम पे लमसम करते रहोगे, तो प्रॉब्लम ये होगा जब उस म्यूचुअल फंड का खराब दिन आएगा तो वैसे में आपके पूरे पैसे में नुकसान देखने को मिलेगा और ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर आप 2 से 3 म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करके चलोगे तो नुकसान थोड़ा कम होगा और लंबे समय में आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप लमसम तो बार बार कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि लमसम भी करना है तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के साथ करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो वॉकिंग एक ये चैनल का नाम लग रहा है, सर मैं 10 लार्ज स्टॉक में मंथली ओनली 2000 इन्वेस्ट करना है SIP की तरह, हो सकता है कैसे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर बहुत ही आप शुरुआती दौर में, इट मीन्स कि आप फर्स्ट टाइम स्टॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको बहुत ही सतर्क होके इस स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी से आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। क्वालिटी अगर स्टॉक का सही है तभी आपको वैसे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप क्वालिटी से यहाँ पे सेक्रीफाई कर लोगे तो एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। स्टॉक का प्राइस कितना भी हो वो मैटर नहीं करता है, स्टॉक के क्वालिटी पे आप ध्यान दो। अब यहाँ पे 2000 का आपका बजट है, अब आप ये सोच रहे हो कि 10 स्टॉक भी आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाई करना पड़ेगा कि कोई कमज़ोर स्टॉक भी रख लूँ, यहाँ पे 100 रुपये का है, ये 200 रुपये का है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्वालिटी सबसे स्ट्रॉन्ग हो वैसे स्टॉक का सिलेक्शन करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे अब 2000 में तो कैसे मेंटेन होगा? एग्जैक्टली 2000 में आप ऐसे कर सकते हो कि 5 स्टॉक का सिलेक्शन करो लार्ज कैप के अंदर जिनका क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर टाइटन की बात कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एशियन पेंट की बात कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। 5 स्टॉक के सिलेक्शन के बाद आप ये कर सकते हो कि महीने में जिस स्टॉक्स में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, उस महीने में दबाव जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला, उस महीने के अंतराल में आप 2000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ उस स्टॉक में करें। अगले महीने आपको नेक्स्ट स्टॉक का टारगेट करना है, ठीक उसके अगले महीने तीसरे महीने में उस 5 स्टॉक्स में से तीसरे स्टॉक को आपको समय देना है। ऐसे करके आप थोड़ा सा रिस्क को मिनिमाइज कर सकोगे और सिर्फ एक स्टॉक पे डिपेंड नहीं रहोगे और आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो आप ऐसे SIP कर सकते हैं। देखो, कभी भी अपने लाइफ में ऐसी गलती मत करना, छोटे छोटे प्राइस के स्टॉक्स का आप यहाँ पे सर्च मत करना कि नहीं 2000 का स्टॉक लेना है, 10 स्टॉक लेना है, यहाँ तो किसी तरह इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं, देखो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर अच्छा होगा तो लाइफ टाइम आप इसमें बने रहोगे। अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस ही काफ़ी कमज़ोर हुआ तो आप बाद में पछताओगे। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।